अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार। सीधे रुक करते हैं, सुप्रतिम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जबरदस्त हलचल मच गई थी जेल के बाहर, उन्होंने जायजा लिया है सुप्रतिम। मानहानि के मामले में अरविंद केजरीवाल की पटियाला हाउस कोर्ट में आज हुई गिरफ्तारी के साथ ही केजरीवाल के विरोधियों की एक बड़ी तादाद यहां हाजिर हुई है और जो यहां लगातार केजरीवाल के विरोध में नारे लगा रही है और प्रदर्शन कर रही है। कई लोग यहां पर मौजूद हैं जिन्होंने केजरीवाल के खिलाफ जो है तख्तियां हाथ में ले रखी हैं। अब से कुछ देर पहले वो नारे लगा रहे थे और विरोध दर्ज कर रहे थे। उनका कहना है कि केजरीवाल जो भ्रष्टाचार के विरोध में एक मुहिम चलाने की बात कर रहे हैं वो दरअसल दिखावा है और उनकी लड़ाई सही नहीं है। क्यों आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? हम यहाँ पे इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि सब झूठ बोला जा रहा है। रीजन बताओ। ये है कि झूठ बोल रहे हैं। 85,000 रुपए घर का किराया बढ़ते हैं, 10,000 रुपए की बिजली का बिल दे रहे हैं। अरविंद अन्ना के नक्शा कदम पे चल रहे हैं, अन्ना के नक्शा कदम पे चल रहे हैं। कुल मिलाकर यहाँ जो लोग हैं उनमें दोनों तरह के लोग शामिल हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो केजरीवाल के खिलाफ हैं, जिनका कहना है कि केजरीवाल दिखावा कर रहे हैं बेल बॉन्ड नहीं भरकर, जबकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो केजरीवाल के हक में प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन वाहिद बेग के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, पटियाला हाउस कोर्ट, दिल्ली आज तक। मुकेश शर्मा कांग्रेस नेता दिल्ली क्या कह रहे हैं इसी मुद्दे पर, आइए आपको सुनाते हैं। ने अरविंद केजरीवाल को 2 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बेल बॉन्ड ना भरने की वजह से अब उन्हें जेल जाना पड़ेगा। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता मुकेश शर्मा मौजूद है। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? श्री अरविंद केजरीवाल जी कोई देश की आजादी की लड़ाई में या पब्लिक या कॉमन कॉज के लिए गिरफ्तार नहीं हुए हैं, बल्कि वो देश की अदालतों को चुनौती दे रहे हैं और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, तो ये सीधा सीधा आपराधिक मामला है। मैं नहीं समझता ऐसे धोखेबाज और असंवैधानिक काम करने वाले व्यक्ति पर कोई टिप्पणी दी जाए। लेकिन बेल बॉन्ड भरने से उन्होंने इनकार किया, इसके पीछे क्या वजह आपको लगता है? क्योंकि देखिए जो नियम है, नियम को तो फॉलो करना ही चाहिए। बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। अब अरविंद केजरीवाल जी पब्लिसिटी स्टंट के लिए, अरविंद केजरीवाल जी पूरे तरीके से बेनकाब हो चुके हैं और मुख्यमंत्री बनने के लिए बेचारे इतने परेशान हैं कि बोल रहे हैं जन लोकपाल भी मत लाओ, लेकिन मुझे मुख्यमंत्री बना दो एक बार। और कांग्रेस पार्टी ने जब से ये स्टैंड ले लिया है कि हम किसी कीमत पर ऐसे धोखेबाज व्यक्ति को सपोर्ट नहीं करेंगे, जब से उनको मानसिक संतुलन अपना खो बैठे हैं, क्योंकि उनको सत्ता के लालची हैं। वो उनको दिल्ली की जनता से, देश की जनता से या जन लोकपाल से या भ्रष्टाचार से कोई मतलब नहीं है। दिल्ली की जनता ने 28 सीटों पर उन्हें जिताया था। अब ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं तो क्या सहानुभूति लोगों की मिलेगी या सहानुभूति लूटने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है? आप उनको टेलीविजन पर नाम लेना बंद कर दो, दिखाना बंद कर दो, वो जमानत भी ले लेंगे, वो चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल बहुत सस्ती और चौथे दर्जे की राजनीति कर रहे हैं और घटिया और चौथे दर्जे का प्रचार पाने के लिए वो इस देश के कानून को धत्ता बता रहे हैं। जाहिर सी बात है कांग्रेस ने यहाँ कड़े शब्दों में इसका विरोध किया है और इनका कहना है कि सीधे तौर पर टीवी पे बने रहने के लिए, प्रचार में बने रहने के लिए लगातार वो पब्लिसिटी स्टंट के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं।